हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ज्योति। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ टू वेयर साड़ी टू लुक टॉल एंड क्लीन एंड गॉर्जियस लुक। तो आजकल के टाइम में हर कोई मतलब थोड़ा सा मतलब फैटी होते ही जा रहे हैं, और मैं भी फैटी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी साड़ी वेयर करके हम स्लिम ट्रिम लग सकते हैं। हर किसी के दिमाग में यही रहता है कि अगर हम लोग साड़ी पहन लें तो ज़्यादा मोटा लग सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं साड़ी पहनकर भी कितना स्लिम लुक मेरी आ रही है। तो कैसे इस तरह से हम साड़ी पहनकर कंफर्टेबल रह सकते हैं और स्लिम ट्रिम हॉट लग सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो जरूर एंड तक देखते रहिए और आप भी साड़ी पहनिए मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर मैं पेडिक्योर पहन चुकी हूँ। तो पेडिक्योर पहनने के बाद अब हम साड़ी पहनेंगे। तो अब हमें साड़ी का एक साइड पकड़ना है और उससे एक राउंड कंप्लीट करते हुए अच्छे से टक करना है साड़ी को पेडिक्योर के साथ, जैसे मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह ही आपको टक करना है। राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम साड़ी की दूसरे साइड को, जिसको हम पल्लू कहते हैं, इसको अच्छी तरह से पकड़ना है, और पकड़ कर पीछे की तरह से ला कर उसको अपनी शोल्डर पे डालना है। यहाँ पर जैसे मैं शोल्डर पर डाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें साड़ी की ऊपर वाली जो बॉर्डर रहता है उसको पकड़कर टाइटली अपनी हिप्स को कवर कर लाना है। और यहाँ पर वीडियो पर जैसे मैं दिखा रही हूँ पिनअप कैसे हम लोग करेंगे, इसी तरह पिनअप करने से जो हमारी हिप एरिया रहता है, टमी एरिया रहता है, उसको हम छुपा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा फैटी है तो टमी रहता है। और उसके बाद हमें अच्छी तरह से प्लेट्स बनाना है, अपनी एक साइज़ रखना है, उसी साइज़ के अकॉर्डिंगली हमें सारी प्लेट को बनाना है। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं सिमिलर साइज़ में ही बना रही हूँ। आपको जितना कंफर्टेबल लगा कि इतने हमें प्लीट्स पकाना है, इतने साइज़ का, आप उसी हिसाब से पकड़ सकते हैं। अब प्लीट्स को हमें टक करना है। टक करते टाइम आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी प्लीट्स ज़मीन पर मतलब लग रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपने प्लीट्स को अच्छी तरह से मतलब उसको साइज कर रही हूँ ताकि इधर उधर ना हो जाए, और उसके बाद ज़मीन पर भी मेरी प्लीट्स लग रही है। उसके बाद मैं अपनी पेडिक्योर के साथ अपने प्लीट्स को टक कर दूँ। यहाँ पर जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उसी तरह ही आपको टक करना है। तो कितना स्लिमी लुक आ रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद एक सेफ्टी पिन लेना है, और जो जहाँ पर हम लोग प्लीट्स को टक किए हैं उसकी थोड़ा सा नीचे हमें एक पिन लगाना है, और उसके बाद उसे थोड़ा सा नीचे मतलब थोड़ा मतलब करीबन 4-5 उंगली अगर हम लोग ले सकते हैं, तो उसके नीचे ही हमें और एक पिन लगाना है, जो कि हमें और भी स्लिमी लुक ला सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कितना डिस्टेंस में लगाई हूँ, तो उतना ही डिस्टेंस में आपको भी लगाना है। प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, मतलब कैसे हम लोग दो बॉर्डर को मतलब एक साथ लेकर पिनअप करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं दो बॉर्डर को एक साथ लेकर मतलब कोई भी प्लीट्स नहीं बना रही हूँ यहाँ पर, और ऐसे ही नॉर्मली लेकर दो बॉर्डर को लेकर पहले पिनअप कर लूँगी, और उसके बाद नीचे इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ नीचे, और एक पिन में यहाँ पर साइज कर मतलब जितना हमें नीचे और एक पिन लगाना है आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं, जितना मैं आप लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं। मैं इतने में ही कंफर्टेबल हूँ तो इतना में ही मैं पिन लगा रखी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर साड़ी कितना खूबसूरत लग रही है, और कितना मतलब दोनों ही बॉर्डर एक साथ रही है तो बहुत ही सुंदर लग रही है। आई होप सो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने के साथ साथ बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिए। और कैसा लगा, क्या आपको इस वीडियो में सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।